हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उर्फ उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी पीसीएस 2022, उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो लगा रहे हैं। और अभी तक हमने 10 सेट्स को कवर कर लिया है, 10 सेट्स कवर कर चुके हैं और ये है हमारा 11वें नंबर का सेट। ठीक है, और ये सीरीज पर्टिकुलरली आपका पीसीएस के लिए तो है ही, साथ में जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है आपका, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर भी जो जीएस और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लैटिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, लैटिट्यूडनल डिफरेंस का मतलब ये होता है, देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन दो चीज़ों में थोड़ा कई बार कन्फ्यूजन आपको सभी में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए लैटिट्यूड कौन सी चीज़ें होती है, ये वाली लाइनें जो ईस्ट वेस्ट आपकी मूवमेंट हो रही है, ये वाली, These are called the latitudes, ठीक है, जो east to west या west to east इस तरीके से आपका horizontally move कर रही हैं लाइनें, ये क्या होती हैं आपकी latitude कहलाती हैं। Longitudes कौन सी होती हैं, longitudes होती हैं आपकी ये वाली, जो north south आपकी lines होती हैं, ये वाली north to south, these are called longitude और these are called latitudes, ठीक है, ये basic difference आपको clear होना चाहिए। कई बार कुछ लोगों को confusion रहती है कि कौन सा वाली line latitude है, कौन सी latitude है, ठीक है। Sorry. तो इसमें पूछा है लैटिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो एक फिगर दिया हुआ है मैप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूड पॉइंट में तो जो उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ नीचे दक्षिणी छोर से हम बात करें तो ये आपका जो अप्रॉक्सीमेटली 24 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, सोनभद्र के पास में, बट यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो एग्जैक्टली अगर जो हम पॉइंट बात करें साउथर्न पॉइंट की, तो दैट विल बी द 23 डिग्री 52 मिनट्स नॉर्थ से लेकर आपका ये ऊपर की तरफ हम जाते हैं, तो 30 यहाँ पर है, 30 से ऊपर थोड़ा सा ये पार्ट है आपका, तो यहाँ पर एग्जैक्टली रहेगा 31 डिग्री 28 मिनट्स नॉर्थ। दिस इज द नॉर्थ साउथ, बेसिकली लैटिट्यूडनल पॉइंट है आपके उत्तर प्रदेश के, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द एक्सट्रीम ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके ये वाले। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा 8 डिग्री 30 मिनट्स का जो डिफरेंस है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। चलिए अभी हम साथ में एक और चीज़ बात कर लेते हैं, ये तो हो गई लैटिट्यूड की बात, ठीक। अब हम लॉन्गिट्यूड को भी देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाला डायरेक्शन है ना, तो ये है क्या आपका 77 और इधर 78, तो 77 से थोड़ा सा आगे की तरफ है, तो एग्जैक्टली अगर जो हम बात करें यहाँ पर तो ये पॉइंट है 77 डिग्री 30 मिनट्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ से लेकर कब तक यहाँ पर देखिए, ये है आपका 84 से आगे है थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो पॉइंट रहेगा 84 डिग्री 39 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, ये है आपका लॉन्गिट्यूड। और जो हमने अभी पिछली बार बात करी थी, जो हमारा था 23 डिग्री 52 मिनट्स नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक, ये है आपका लॉन्गिट्यूड, सॉरी दिस इज लैटिट्यूड दिस इज लॉन्गिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड दिस इज लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का जब आप पेपर दे रहे हैं तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किन किन पॉइंट्स पर है, कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है आपका, देखिए बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ है, ये वाला, ये देखिए ये है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, स्लोप्ड टिल्टेड टुवर्ड्स, ये किस तरफ को झुका हुआ है, देखिए ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है, यहाँ पर क्या है विंध्यास की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये मालवा प्लेट्यू है, तो इनके बीच से क्या निकलता है, यहाँ से निकलती है विंध्यास की पहाड़ियाँ आपकी, नर्मदा रिवर वगैरह ये सब यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये किस तरफ को झुका हुआ है, तो ये बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है ये आपका इस डायरेक्शन में क्या है, टुवर्ड्स द यमुना रिवर, इस तरफ में क्या है, यमुना रिवर बहती है ना आपकी, तो यमुना रिवर की तरफ क्या है झुका हुआ है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, टुवर्ड्स द यमुना रिवर, ठीक है। और बाकी प्लेट्यू भी देख लीजिए, मालवा प्लेट्यू यहाँ पर है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, ये कर्नाटक प्लेट्यू है आपका, यहाँ पर आपका तेलंगाना प्लेट्यू एक छोटा सा दिख रहा है आपका, और यहाँ पर एक शिलोंग प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये वाला है आपका, ठीक है। तो प्लेट्यूज कहाँ कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश मेक्स द बाउंड्री विद द एटलीस्ट 3 स्टेट्स।
वो देखिए, ये जो पांच आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं, पूछा है कि इन पांचों डिस्ट्रिक्ट्स में से वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कम से कम 3 स्टेट्स के साथ शेयर्ड होते हैं, मतलब किन 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं वो जिले। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं। तो देखिए इस मैप में ये है कि देखिए, एक तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है। सहारनपुर आपका एक्सट्रीमली क्या है, नॉर्थ वाला पार्ट है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ देखिए दक्षिणी छोर में कम्प्लीटली एक्सट्रीम एंड ऑफ साउथ में ये है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इधर आपका झारखंड, इधर छत्तीसगढ़ और साउथ में मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये दो ऐसे जिले हैं जो तीन तीन एटलीस्ट 3 स्टेट्स के साथ अपनी क्या है बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इधर देखिए पूरा पूरा बिहार लगता है, इधर पूरा ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश लगता है, यहाँ पर राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो और ठीक है, हरियाणा और बॉर्डर का एरिया लगता है। ठीक, तो इकलौते यही दो आपके डिस्ट्रिक्ट बचते हैं जो 3 स्टेट्स को कवर अप करते हैं। चलिए फिर वापस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मथुरा, मथुरा तो नहीं लगता है आपका, मुजफ्फरनगर भी नहीं लगता, सोनभद्र और सहारनपुर ये दोनों हमने ढूंढे थे ना अभी मैप में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 3 एंड 4 आर द ओनली डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके 3 स्टेट्स के साथ, 3 से ज्यादा कम से कम 3 स्टेट्स के साथ में क्या है बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है। देखिए वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा है। देखिए पश्चिमी छोर का सबसे सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, शामली। बिल्कुल सही है, ये शामली जो है सबसे वेस्टर्न पार्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट। साउथर्न मोस्ट सबसे दक्षिणी छोर में ललितपुर पड़ता है, देखिए इसमें संदेह है, अभी हम देखते हैं मैप में हमको क्लियर हो जाएगा क्या है। ईस्टर्न मोस्ट क्या है, बलिया, और नॉर्थर्न मोस्ट सहारनपुर। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें पता लग गया था कि नॉर्थर्न मोस्ट कौन सा है, सहारनपुर है जो 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता था, और साउथर्न मोस्ट भी हमने बात करी थी ललितपुर नहीं था, वो क्या था आपका सोनभद्र। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो था ये मिर्जापुर बनारस इलाहाबाद के आसपास का जो एक एरिया है वहां पर, ये वो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उसके पास में, तो वो है साउथ मोस्ट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए नॉट पूछा है तो करेक्टली आंसर होगा यहाँ पर ये। ठीक है, मैप में भी देख लेते हैं तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए ये ललितपुर है आपका, यहाँ पर झांसी के पास में ये ललितपुर है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली ये 90% घिरा हुआ है पूरा एमपी से। ठीक है, ये चारों तरफ से पूरा एमपी से घिरा हुआ है, सिर्फ ये इस पार्ट से यूपी से कनेक्टेड है, बाकी सारा इधर चारों तरफ एमपी आपको देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश। तो देखिए अगर जो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ललितपुर से, ये स्ट्रेट लाइन, तो देखिए ये कहाँ जा रही है, सोनभद्र को लगभग आधे के आसपास से काट रही है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है साउथ के आसपास में आ रहा है, तो एक्सट्रीम साउथ ये हो जाता है, एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट ये, देखिए ये बलिया डिस्ट्रिक्ट है, कंप्लीटली एक्सट्रीम आपका ईस्टर्न पॉइंट हो गया। ठीक है, एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट हो गया आपका ये। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। जालौन डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं और डिवीजन, किस डिवीजन के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये पूछा गया है। तो देखिए जालौन जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ता है आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉरी झांसी डिवीजन के अंदर। ठीक है, जालौन पड़ता है झांसी डिवीजन के अंदर। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर आपका पड़ता है बस्ती डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉरी डिवीजन के अंदर। देखिए ये जिले हैं और ये, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट तो है ही बट ये क्या है, डिवीजन है। ठीक है, और बहराइच जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है कहाँ पर, देवीपाटन, देवीपाटन डिवीजन के अंदर। और हमीरपुर, हमीरपुर पड़ता है आपका कहाँ पर, चित्रकूट डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो देखिए मैच क्या हो जाता है आपका, ए के साथ जा रहा है आपका 2, बी के साथ है आपका कहाँ गया 3, सी के साथ है 4 और डी के साथ है 1। तो देखिए 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये मैप है, देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये वाला जो डिवीजन है बेसिकली दिस डिवीजन, ये डिवीजन कौन सा है, ये आपका चित्रकूट डिवीजन है। चित्र कूट जो डिवीजन है वो यही वाला है, ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड चित्रकूट डिवीजन। ये डिवीजन है आपका ललितपुर झांसी, ये आता है आपका झांसी का डिवीजन, झांसी डिवीजन। और जो आपका था एक जो था एक देवी पाटन, तो ये है देवी पाटन, बहराइच वाला इलाका देवी पाटन डिवीजन। ठीक है, तो ये डिवीजन कहाँ कहाँ है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी डिवीजन पड़ता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट हैव बाउंड्री विद नेपाल, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, कौन सा डिवीजन? ठीक है, लखनऊ एक, देखिए ये जो देवी पाटन डिवीजन है अभी हमने बात करी थी ना एक, तो ये क्या था एक्सट्रीम आपको दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश ये वाला खत्म है, यहाँ पर तो बाउंड्री का ये वाला इलाका था देवी पाटन बहराइच वाला इलाका, तो ये तो भाई नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर ही रहा है, तो देवी पाटन तो हो नहीं सकता, ये तो शेयर कर रहा है। ठीक है, और बाकी जितने भी डिवीजन है बरेली लखनऊ और मुरादाबाद, इनको जरा देख लेते हैं मैप में कि कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर था आपका बहराइच डिवीजन, दिस इज बेसिकली आपका देवी पाटन, ठीक है, देवी पाटन डिवीजन ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर ये आपका आता है लखनऊ डिवीजन, दिस वन इज लखनऊ डिवीजन, लखनऊ डिवीजन ये है, देवी पाटन डिवीजन ये है, ये भी देखिए लखनऊ डिवीजन का लखीमपुर एरिया आपका जो है, लखीमपुर वाला जो एरिया है क्या नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, और इसके बाद था एक बरेली डिवीजन, बरेली कहाँ है आपका, ये रहा बरेली, बरेली राम बरेली डिवीजन जो है शाहजहानपुर और पीलीभीत ये वाला डिवीजन, दिस इज द बरेली डिवीजन, बरेली में भी पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये तीनों डिवीजन जो है आसपास में ही है, तीनों डिवीजन के जो एक एक डिस्ट्रिक्ट है जैसे पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, इधर बहराइच है, श्रावस्ती है, ठीक है, बलरामपुर, ये क्या है आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ में, तो ये तो हो नहीं सकते। चौथा पॉइंट था हमारा मुरादाबाद, मुरादाबाद कहाँ है आपका, देखिए मुरादाबाद है आपका ये रहा मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद रामपुर, ठीक है, बिजनौर, मुरादाबाद रामपुर बिजनौर ये वाला जो डिवीजन है, दिस इज मुरादाबाद डिवीजन, ये बेसिकली उत्तराखंड के साथ तो बॉर्डर शेयर करता है बट नेपाल के साथ नहीं, क्योंकि देखिए नेपाल यहाँ पे चालू होता है पीलीभीत से, इधर क्या है उत्तराखंड है आपका और इधर है नेपाल, तो ये भाई उत्तराखंड के साथ शेयर करता है कौन सा, मुरादाबाद डिवीजन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, मुरादाबाद। तो देखिए मैप में हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया कौन सी जगह कहाँ पर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद डिवीजन जो है वो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भदोही डिस्ट्रिक्ट है, भदोही डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये रायबरेली और प्रयागराज इन दोनों के बीच में ये पड़ता है, सुल्तान जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके इन सभी के लगभग ट्रायंगुलेशन में ये आपको देखने को मिलता है भदोही डिस्ट्रिक्ट। इसका नाम बदल कर रखा गया है किस पर्सनैलिटी के नाम पर, वो है संत रविदास, संत रविदास जो है जिला है वो भदोही डिस्ट्रिक्ट का नया नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संत रविदास नगर। ठीक है, अब देखिए ये भी एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद हरियाणा, हरियाणा के साथ कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर, क्योंकि मुजफ्फरनगर से पहले क्या आता है शामली, अभी देखिए मैप में देख लेते हैं थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो देखिए हरियाणा की हम बात कर रहे थे, तो देखिए हरियाणा के साथ यहाँ पर शामली है, यहाँ सहारनपुर है, देखिए ये हरियाणा है आपका, हरियाणा के साथ क्या लग रहा है, सहारनपुर लग रहा है, शामली लग रहा है, ये है बागपत, बागपत के बाद फिर आपका ये गाजियाबाद आ जाता है, गौतम बुद्ध नगर आ जाता है और ये दिल्ली है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर यहाँ तक चलता है, फिर ये अलीगढ़ का एरिया है, फिर मथुरा एरिया है। ठीक है, ये आपका एरिया लगता है कहाँ से, हरियाणा के साथ में, बट ये जो मुजफ्फरनगर वाला इलाका है ये थोड़ा सा बीच में आ जाता है, इसका बॉर्डर जो किसके साथ शेयर होता है, उत्तराखंड के साथ, ना कि हरियाणा के साथ। ठीक है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन का मथुरा अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर तो शेयर करता है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरनगर। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना स्पेशली मैप बेस्ड, तो ये मैप जो है आपके दिमाग में बिल्कुल छपा होना चाहिए कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट के बाद, और देखिए यूपी के अंदर कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, तो कौन सा जिला किसके बाद है, कौन सा किसके आसपास है, ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर तरीके से सेट होंगी, तभी इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के ज्योग्राफी के कि आपको डायरेक्टली मार्क्स दे देते हैं बिना किसी मेहनत के। ठीक है, बट इसके लिए कंडीशन यही है कि आपके दिमाग में माइंड में जो मैप है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस जगह के पास कौन सा जगह आता है। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में आपको पूरा मैप जो है दिमाग में पूरा कंप्लीटली पेस्ट होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा गया है यूपी के कई एग्जाम्स में, मैंने देखा ये वाला कि पूछा कि ट्रू कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी का जो लैंड एरिया है वो है 768 किलोमीटर, 7680 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। और सबसे छोटा जिला है ये हापुड़, जो कि कितना है, 66 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 66 किलोमीटर, मात्र 66 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लखीमपुर खीरी एंड हापुड़ डिस्ट्रिक्ट।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद एनी अदर स्टेट। ऐसा कौन सा, देखिए ये जिले दिए हुए, इनमें से कौन सा वो जिला है जो किसी भी स्टेट बाउंड्री के साथ शेयर नहीं करता। अभी देख लीजिए मैप आपको साथ में लगा हुआ है। बलिया कहाँ है भाई, देखिए बलिया ये है, ये आपका किसके साथ है, बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है ठीक है, तो पहला डिस्ट्रिक्ट है आपका बलिया, बलिया है बिहार के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक, फिर है जौनपुर। अब देखिए ये जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका, एक मिनट, पूछा क्या था इसमें, डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद अदर स्टेट। ओके, अदर स्टेट के साथ जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक, अब देखिए जौनपुर कहाँ है आपका, जौनपुर को भी चलिए हम देखते हैं कहाँ पर है, ढूंढेंगे अभी से कहाँ पर पड़ता है। पहले तो रामपुर देख लीजिए, रामपुर कहाँ है आपका, ये देखिए ये है आपका मुरादाबाद, पिंक वाला जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है थोड़ा सा मुरादाबाद है, और ये है आपका रामपुर डिस्ट्रिक्ट। ये भाई किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, उत्तराखंड के साथ शेयर कर रहा है ये। ठीक है, मिर्जापुर, मिर्जापुर कहाँ है, देखिए ये रहा मिर्जापुर नीचे सोनभद्र के पास में मिर्जापुर, ये किसके साथ, एमपी के साथ। ठीक है, एमपी के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब बात कर रहे हैं हम जौनपुर की, तो जौनपुर कहाँ रह गया भाई, जौनपुर है आपका ये रहा, वाराणसी, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और इलाहाबाद, इन तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ये ब्लू कलर का जो एरिया है। ठीक है, दिस इज जौनपुर। ये क्या है, एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हो गया एक तरीके से, लैंडलॉक तो सारा ही है बट एक तरीके से किसी के साथ में शेयर नहीं करता अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यही पूछा गया था, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जौनपुर। ठीक है, तो अब देखिए ये तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो हमने मैप देख लिया, बट एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं ना, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली अगर जो सेंटर कैप के बीच में कन्फ्यूजन भी होता है, बट ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं भाई, ललितपुर, झांसी और ये बांदा, ये सारे जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सभी को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज सराउंडेड बाई मोर देन 90% ऑफ बाई मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारे जिले जो हैं इनमें से देखिए कौन सा वो जिला है जो 90% जिले का हिस्सा जो है घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, मतलब एक तरीके से ट्रैप्ड हो रखा है। ठीक है, तो वो है आपका ललितपुर। ठीक है, आपने मैप में देखा था ना, ये एक झांसी, झांसी के नीचे ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था, इस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट था ऐसे पतला सा, यहाँ तक झांसी था और उसके नीचे ये था ललितपुर। ठीक है, साउथर्न पार्ट था, एक्सट्रीम साउथर्न नहीं है बट सेकेंड एक्सट्रीम साउथर्न आप कह सकते हैं, यहाँ पर था फिर आपका सोनभद्र, सोनभद्र से ऊपर फिर ललितपुर। ठीक है, तो ललितपुर जो है वो मध्य प्रदेश से चारों तरफ से 90% घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बाउंड्री, किस राज्य की बाउंड्री के साथ उत्तर प्रदेश अपने सबसे ज्यादा जिलों को शेयर करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा जिले है ना, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैप में देखते हैं पहले और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। ये देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा जिले ढूंढने भैया किसके साथ, उत्तराखंड को देख लेते हैं, सबको हम एक एक बार चेक कर लेते हैं ताकि और भी अगर जो कभी पूछा जाए इस तरीके से क्वेश्चन में इसमें, तो आप कहीं गलती ना करें और कंफ्यूजन ना रहे कहीं भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है सहारनपुर, सहारनपुर हिमाचल के साथ जा रहा है। देखिए एक दो सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, ये सब क्या है हरियाणा के साथ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के साथ शेयर करने वाले। उत्तराखंड के साथ आ जाते हैं, तो उत्तराखंड के साथ भाई एक है आपका सहारनपुर, ये मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये भी कितने हैं, सात डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेपाल को छोड़ दिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम नहीं जा रहे हैं, अभी आते हैं स्टेट पे, बिहार पे, ये वाला बिहार का एरिया, बिहार में आपका सोनभद्र पड़ता है एक, फिर ये आपका चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज का थोड़ा सा एरिया ये टच करता है यहाँ पर, जैसे ना कोने वाला पार्ट, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पर भी सेवन डिस्ट्रिक्ट्स। अब आते हैं राजस्थान, इधर हमारा राजस्थान पड़ता है, राजस्थान के साथ क्या शेयर करता है, मथुरा और आगरा, दो डिस्ट्रिक्ट्स आपके शेयर होते हैं राजस्थान के साथ। फिर आता है मध्य प्रदेश, अब देखिए मध्य प्रदेश के साथ आगरा भी शेयर होता है, इटावा होता है, इटावा के बाद ये है जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, कितने हो गए भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है
11 एक और होना चाहिए, कोई और डिस्ट्रिक्ट भी है यहाँ पर आई थिंक, देखिए एक मिसिंग हो रहा है, बट इन टोटलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो है सबसे मैक्सिमम पूछा कि शायद थिंक 12 है यहाँ पर, ठीक है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैप में थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम देख लेंगे कहाँ पर क्या है उसका, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया था कितने मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, वो कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, कितने लगभग 12 रहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट हमें शायद कोई स्किप हो रहा था, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे बाद में, या आपको पता लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट, और दो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ द एरिया ऑफ द इंडिया। देखिए अगर जो हम बात करें कि पूरा भारत जो है वो दुनिया का जितना भी लैंड एरिया है उसका कितना प्रतिशत रखता है, तो वो है 2.4% जो लैंड एरिया है पूरी दुनिया में, उसका 2.4% लैंड जो है वो भारत के पास है। अब जो भारत के पास लैंड एरिया है उसमें से उत्तर प्रदेश के अंदर कितना, उत्तर प्रदेश कितना लैंड एरिया ऑक्यूपाई करता है, वो है आपका वैल्यू दैट विल बी 7.33%, ठीक है। जितना लैंड एरिया इंडिया के पास है उसका 7.33% उत्तर प्रदेश रखता है। यहाँ पर कह रहा है कि अराउंड 10% अराउंड है, बट आप कह सकते हो ओके, बट अगर जो हमें जब पता है कि भाई एग्जैक्टली कितना है 7.5% भी होता तो आप अप्रॉक्सीमेट लगा लेते, बट यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। देखिए अब उत्तर प्रदेश जो है कई सारे स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये देखिए हरियाणा के साथ शेयर करता है उत्तर प्रदेश अपना बाउंड्री, ठीक है। अगर जो हम बात करें इन टोटलिटी 8 स्टेट्स के साथ में और एक यूनियन टेरिटरी के साथ में आपका जो है आपका उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। 8 स्टेट कौन कौन से हैं, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। ये स्टेट्स हो गए जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है, और वन यूनियन टेरिटरी जो है वो है आपकी दिल्ली, ठीक है, जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन टोटल की हम बात करें तो 9 हो जाते हैं इस तरीके से। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा करता है, हिमाचल करता है, झारखंड करता है, पंजाब नहीं करता, ठीक है, ये हमने अभी बात कर ली, तो पंजाब नहीं करता, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। तो देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से आते हैं, पीलीभीत करता है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है आपका, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, ठीक है। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो शेयर करते हैं बॉर्डर अपना किसके साथ, नेपाल के साथ में। कुशीनगर देखिए यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा करता है, कुशीनगर नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है, कुशीनगर नहीं करेगा क्योंकि कुशीनगर तो यहाँ ख़त्म हो जाता है, महाराजनगर बिहार के साथ में भी टच करता है ना, तो हल्का सा मार्जिन है यहाँ पे। तो ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन में देखिए महाराजगंज आपका यहाँ पर था, है ना, महाराजगंज था आपका, महाराजगंज था, बरेली नहीं था, है ना, बरेली नहीं था, बलरामपुर था आपका, श्रावस्ती था, पीलीभीत था, ठीक है, और कुशीनगर नहीं था आपका, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अब 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इन ऑप्शंस में से नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं, आपका बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सहारनपुर, देखिए सहारनपुर जो है आपका किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, सहारनपुर आपका शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ में, बिल्कुल। अलीगढ़ आपका किसके साथ शेयर करता है, अलीगढ़ आपका शेयर करता है दैट विल बी राजस्थान के साथ, नहीं आई थिंक राजस्थान और हरियाणा दोनों के साथ करता है, बट हम जाएंगे राजस्थान के साथ, ठीक है। और मथुरा आपका किसके साथ शेयर करता है, मथुरा शेयर करता है आपका बॉर्डर हरियाणा के साथ। और चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो है, ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट आपका किधर था, ईस्ट में था, जो आपका ईस्ट वाला जो कम्प्लीटली पार्ट था वहाँ पर,
तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट आपका बिहार के साथ में। तो मैच क्या हो जाता है, ए के साथ जाता है 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4, डी के साथ 1। तो 2, 3, 4, 1 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखते कहाँ बनता है, दैट इज 2, 3, 4, 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये जो मैप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, स्पेशली इस तरीके के बाउंड्री शेयर वाले जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर किए हैं, तो इसके लिए मैप पर्टिकुलर स्टेट का या जिस भी आप देश अगर जो कंट्री की बात कर रहे हैं या किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रेजेंटली किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, तो प्रॉपरली देखिए बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को तो आप सभी लोग जानते हो कि कौन सा कहाँ पड़ता है, बट जो ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन उसके आसपास का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो किसके बीच में लाई करता है। तो मैप जो है वो बिल्कुल ही एक प्रिंटआउट निकाल के या मार्केट से लेके आप चिपका लीजिए अपने आसपास में, टेबल पे, वॉल पे रख लीजिए, ताकि उसको हमेशा देखते रहें, ताकि वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 11। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, सिंपल्स थे बट मैप बेस्ड थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।